स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सैम न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट 4 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंजर्वेशन लॉस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स करके पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बनाए थे मैंने, उसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी, जो आपके सिलेबस में है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों वीडियोस का, वो आप जरूर देखिएगा। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को, जिसको हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बोलते हैं, किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्ड करवाते हैं, कोलाइड करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन, तो होता क्या है, जो टारगेट न्यूक्लियस की जो एनर्जी और कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और आपको प्रोडक्ट साइड में एक बिल्कुल नया न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसकी एनर्जी और कॉम्पोजिशन टारगेट न्यूक्लियस से बिल्कुल डिफरेंट होती है और साथ में आपको आउटगोइंग पार्टिकल भी देखने को मिलता है। तो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आपका अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपके आउटगोइंग पार्टिकल है वो भी आपका इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, जनरल फॉर्म में हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल एक्स गिव्स यू कैपिटल वाई प्लस स्मॉल बी। यहाँ पर ए जो है वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, एक्स आपका टारगेट न्यूक्लियस है और वाई आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, जिसकी एनर्जी और कॉम्पोजिशन टारगेट न्यूक्लियस एक्स से बिल्कुल डिफरेंट होगी और बी यहाँ पर हमारा आउटगोइंग पार्टिकल है। तो ये है हमारी स्टूडेंट जनरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ लॉस जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लॉस उसमें ओबे होते हैं। आज हम उन्हीं कंजर्वेशन लॉस को डिस्कस करेंगे, ऐसे कौन से लॉस हैं जो कंजर्व रहते हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व रहती हैं जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कंजर्वेशन लॉस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कंजर्वेशन लॉस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, अब आइए वो देखते हैं। व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस दीज ओबे सर्टेन कंजर्वेशन लॉस विच आर एज फॉलोस। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो कुछ कंजर्वेशन लॉस ओबे जरूर होंगे, वो लॉस कौन से हैं उनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या मतलब है इसका, द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन रिमेन्स सेम। रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट्स का जितना चार्ज था, रिएक्शन होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे, दो टर्म्स मिलेंगी, प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा, आउटगोइंग पार्टिकल मिलेगा, तो उन दोनों का चार्ज और रिएक्टेंट साइड में जो चीजें प्रेजेंट है उनका चार्ज जो है वो सेम रहेगा। दैट इज टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जब भी रिएक्टेंट साइड में जितना टोटल चार्ज होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज होगा। आइए देखते हैं एग्जांपल लेके। यहाँ पर हमने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल न्यूट्रॉन लिए हैं, न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है, चार्ज उस पर होता नहीं है तो एटॉमिक नंबर 0 हो जाएगा। उसको हमने बोरॉन पे इंसिडेंट करवाया, बॉम्बार्ड करवाया, जिसका मास नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस में लिथियम मिलेगा जिसका मास नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 3 है, और साथ में आपको आउटगोइंग पार्टिकल की फॉर्म में अल्फा पार्टिकल दिखाई देगा, दैट इज बेसिकली अ हीलियम न्यूक्लियस, इसका मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। अब हमें यहां पर चार्ज की बात करनी है, यहां पर चार्ज देखिए टोटल चार्ज कितना है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हमारे बोरॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो 5 + 0, तो टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 5 + 0, दैट इज 5 यूनिट्स। प्रोडक्ट साइड में देखिए टोटल चार्ज कितना है, चार्ज जो है बेसिकली एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 + 2 यहाँ पर कितना प्रोडक्ट साइड में 5 यूनिट्स। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ जो चार्ज है वो 5 यूनिट्स है, मींस रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद आपका टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, रिएक्टेंट साइड में जितना चार्ज है उतना ही प्रोडक्ट साइड में रहेगा। तो एक लाइन लिख देंगे आप, द टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज 5 यूनिट्स, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में ओबे होगा ही होगा। सेकंड कौन सा कंजर्वेशन लॉ है जो ओबे होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो मास नंबर जो है वो कंजर्व रहता है, मींस जितना रिएक्शन से पहले
मास नंबर था हमारे पास, उतना ही रिएक्शन के बाद मास नंबर रहेगा, मीन्स रिएक्टेंट साइड में जितना मास नंबर है टोटल मास नंबर, उतना ही प्रोडक्ट साइड में टोटल मास नंबर रहेगा। तो वही लैंग्वेज लिखनी है आपने, चार्ज की जगह बस मास नंबर लिख देना है यहाँ पर। द टोटल मास नंबर बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन रिमेन सेम, दैट इज टोटल मास नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास नंबर ऑन द प्रोडक्ट साइड। बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखी है, सिर्फ चार्ज को हमने मास नंबर से रिप्लेस कर दिया। सिंपलिसिटी के लिए हम एग्जांपल ऊपर वाली रिएक्शन का ही लेके चलेंगे। तो ऊपर वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी क्या थी, न्यूट्रॉन फॉल कर रहा था बोरॉन न्यूक्लियस के ऊपर, आपको प्रोडक्ट साइड में लिथियम और अल्फा पार्टिकल देखने को मिल रहा था। अब हम देखेंगे मास नंबर, मास नंबर यहाँ पर कितना रिएक्टेंट साइड में 10+1 11 और प्रोडक्ट साइड में कितना है 7+4 11। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन लिखनी है आपने तो मास नंबर दोनों तरफ सेम लिखने हैं आपने, दोनों तरफ टोटल मास नंबर जो है वो बराबर होना चाहिए। तो द टोटल मास नंबर ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज 11, 10+1 इज 11, 7+4 इज 11। तो मास नंबर भी जो है वो कंजर्व रहता है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके बाद कौन से लॉज हैं जो कंजर्व रहते हैं, कौन से कंजर्वेशन लॉज ऑब्वियस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये देखेंगे अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं और कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज ऑब्वे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। तीसरे नंबर पे कंजर्वेशन लॉ जो ऑब्वे होगा न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मींस रिएक्शन होने से पहले जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम था और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स का टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो सेम होगा, मींस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स का जितना टोटल लीनियर मोमेंटम होगा और रिएक्शन से पहले और प्रोडक्ट्स का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा रिएक्शन होने के बाद, तो उन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आप एग्जाम में लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने से उनके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी स्पिन करते हैं जिनके कारण उनके अंदर एक दूसरा एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का, दैट इज द सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल आई वैक्टर से डिनोट करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एस वैक्टर से डिनोट करते हैं, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। मींस आई वेक्टर जो होगा वो एस वेक्टर प्लस एल वेक्टर के बराबर होगा। मींस टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो रहता है, मींस आई वेक्टर जो रहता है इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का रिएक्शन से पहले, वही वैल्यू होगी आई वेक्टर की, मींस टोटल एंगुलर मोमेंटम की प्रोडक्ट्स की आफ्टर द रिएक्शन। तो ये है स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलना चाहिए। द टोटल एंगुलर मोमेंटम आई वेक्टर इज द सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक तो उनकी स्पिन मोशन के कारण अबाउट इट्स ओन एक्सिस जिसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्योंकि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं जिसको हम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मड आफ्टर द रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम रहेगा बिफोर रिएक्शन वही टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा प्रोडक्ट्स का आफ्टर द रिएक्शन। सेम लैंग्वेज लिखी है ऊपर हमने लीनियर मोमेंटम लिखा था, यहाँ पे हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखा है। पहले हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम को बताया कि होता क्या है वो। तो ये स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ जो कि ओबे होगा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स लास्ट कंजर्वेशन लॉ जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में ओबे होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ है जो कि ओबे होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इसमें आप क्या लिखेंगे, द टोटल मास एनर्जी रिमेन सेम इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो मास एनर्जी होगी रिएक्टेंट साइड की और जो मास एनर्जी होगी प्रोडक्ट साइड की न्यूक्लियर रिएक्शन में बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन वो सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है, आइए पहले न्यूक्लियर रिएक्शन की जनरल फॉर्म देखते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस कंजर्वेशन लॉ का मतलब क्या है। जनरली अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिटन एज ए प्लस एक्स गिव्स यू वाई प्लस बी।
ए यहाँ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, एक्स टारगेट न्यूक्लियस है, वाई प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, बी आउटगोइंग पार्टिकल है। तो आपको यहाँ पे चार चीजें दिखाई दे रही हैं, एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, नंबर टू टारगेट न्यूक्लियस, नंबर थ्री प्रोडक्ट न्यूक्लियस, नंबर थ्री आउटगोइंग पार्टिकल। इन चारों की अपनी अपनी टोटल मास एनर्जी होगी, वो क्या होगी? इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के दो प्रकार की एनर्जी होंगी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के पास, एक होगी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी रेस्ट मास एनर्जी। इस सिमिलरली जो एक्स के पास भी दो तरह की एनर्जी होंगी, एक होगी रेस्ट मास एनर्जी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी। प्रोडक्ट न्यूक्लियस के पास भी दो तरह की एनर्जी होंगी, दैट विल बी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ वाई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। आउटगोइंग पार्टिकल इज ऑल्सो हैविंग टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन इज रेस्ट मास एनर्जी एंड अदर इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को तो हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, अगर हमने ए की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो ई के पैर में ए लगा देंगे, एक्स की लेनी है तो ई के पैर में एक्स लगा देंगे, वाई के लेनी है तो ई के पैर में वाई लगा देंगे, बी की लेनी तो ई के पैर में बी लगा देंगे। बट इनकी रेस्ट मास एनर्जी कैसे निकालेंगे? रेस्ट मास एनर्जी हम निकालेंगे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले फॉर्मूले से, दैट इज रेस्ट मास एनर्जी जो कि किसी पार्टिकल की होती है वो होती है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हम वहां पे वो वाला फॉर्मूला लगा के हम प्रूव करेंगे मास एनर्जी जो होती है टोटल मास एनर्जी जो है सेम रहती है न्यूक्लियर रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे और क्या लाइन लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी वी हैव, इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप एक लाइन क्या लिखेंगे आइए वो देखते हैं। नाउ दिस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन इज रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी को हम लिखेंगे एम ए सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला रिलेशन आपको याद होगा। और ए की काइनेटिक एनर्जी को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई से डिनोट करेंगे और इसके पैर में ए लगा देंगे। तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की दो प्रकार की एनर्जी हमने लिख दी है, दैट इज रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल दैट इज ए। प्लस सिमिलरली आप एक्स के लिए लिखेंगे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एक्स विल बी कैपिटल एम लेंगे क्योंकि हम कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, एम एक्स सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एक्स की दो प्रकार की एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एक्स That is mx c square, यहाँ पर capital x लिख दीजिए, plus ex kinetic energy of x. Similarly, that will be equal to y की rest mass energy कितनी होगी? m y c square plus kinetic energy कितनी होगी y की? That is e y plus b की, b small letters में है तो m small letters में लेंगे, rest mass energy of b will be m b c square plus kinetic energy of b will be e b. तो ये है expression. जनरली जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें टारगेट न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट में रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हम एक्स की जनरली जीरो लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आप ई एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, एम ए सी स्क्वायर प्लस ई ए प्लस एम एक्स सी स्क्वायर प्लस जीरो गिव्स यू एम वाई सी स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस एम बी सी स्क्वायर प्लस ई बी। हम यहां पे लाइन लिख देंगे बिकॉज ई एक्स इज जीरो इफ टारगेट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल भी मोशन में होता है, टारगेट प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी मोशन में रहता है, और वही पार्टिकल भी मोशन में मान के चलते हैं, सिर्फ टारगेट न्यूक्लियस को रेस्ट में मान के चलते हैं। अगर आप यहां तक भी लिखाते हैं तो ये भी सही माना जाएगा, आपको जरूरी नहीं कि ये एक्स जीरो पुट करके दिखाना ही दिखाना है। तो स्टूडेंट्स ये है वो कंजर्वेशन लॉस, वो पांच कंजर्वेशन लॉस जो कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहते हैं, और ये टॉपिक आपके सिलेबस में था, चार या पांच मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा, ये पांच पॉइंट अगर आप लिखाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।